क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा भी गैंग था जिनके क्राइम करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। इनका ना तो कोई पता ठिकाना था और ना ही कोई अड्डा। ये अपने शिकार को बहुत सोच समझकर चुनते थे। जब ये अपने शिकार के घर में घुसते थे तो वहाँ पर मौजूद औरतों, बच्चों और बूढ़ों तक को जिंदा नहीं छोड़ते थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बावरिया गैंग के बारे में। बावरिया गैंग नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत एक्टिव था। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इनके नाम सामने आते थे। इनकी शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह से। उस समय देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और इनके खिलाफ ही इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान हुआ और उन्हें पहली बार भारतीय लोगों से खतरा महसूस हुआ था। 2 साल बाद जब यह विद्रोह कंट्रोल में हुआ, तब अंग्रेज़ों को लगा कि अगर यह दोबारा हुआ तो भारत छोड़कर जाना पड़ सकता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उन लोगों को चुन चुन कर खोजा जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अंग्रेज़ों के लिए उनको ढूंढना तो आसान था जिनको वो पहले से जानते थे या जिनका कोई पता ठिकाना था, लेकिन कुछ लोगों के ग्रुप्स और जातियाँ ऐसी थी जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने सुना तक नहीं था। कड़ी मशक्क़त के बाद भी अगर उनका एड्रेस मिल भी जाता तो लोग वहाँ पर नहीं होते थे, क्योंकि उनका कोई रहने का ठिकाना ही नहीं था। इन जातियों को कई नामों से जानते हैं, जैसे घुमंतू जातियाँ, खाना बदोश या बंजारा। इन नामों का मतलब होता है जिसका कोई घर न हो और खाना वगैरह या काम धंधों की तलाश में इधर उधर भटकते हों और जिनका कोई परमानेंट एड्रेस न हो। इन घुमंतू जातियों को जहाँ भी मन करता वहीं तंबू गाड़ कर अपना डेरा बना लेते हैं। कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद कहीं और चले जाते हैं। जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं, अंग्रेज उनको कैसे पकड़ते हैं? इसके लिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। 1871 में इन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी CTA। ऐसी सभी जातियों को उन्होंने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। इन्हीं जातियों में से एक थी बावरिया जाति। इस कानून के बाद अंग्रेजों को जहाँ भी ऐसी जातियाँ मिलती उनको बेवजह पकड़ कर मारते, पीटते, उनको जेल में बंद कर देते, जिसके बाद से ये जंगलों में छुप छुप कर रहने लगे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इन जातियों को क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके अंदर बदलाव आ चुका था, खासकर बावरिया जाति में। लोग इस नाम से डरने लगे थे क्योंकि इन जातियों के कुछ लोगों ने लूटपाट, काटना मारना शुरू कर दिया था। बावरिया जाति का मेन इलाका था चित्तौड़गढ़। बाद में ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। राजस्थान के भरतपुर को भी इस जाति का अहम ठिकाना माना जाता है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग घुमंतू थे। इनको अच्छे से पता था कि ये लोग एक जगह पर नहीं रहते, इसलिए इन्हें कोई भी नहीं जानता था। इसी चीज़ का फ़ायदा बावरिया जाति के कुछ लोगों ने उठाया और एक गैंग बना ली। इनका क्राइम करने का तरीका औरों से बिल्कुल अलग था। ये लोग अपने धर्म को बहुत मानते थे और पूजा पाठ करने में पीछे नहीं हटते थे। त्योहारों जैसे होली दिवाली के समय इनके क्राइम बढ़ जाते थे। इन लोगों को क्राइम कब करना है यह केवल बकरी की हरकत से पता करते थे, क्योंकि बकरी के इशारे पर क्राइम करेंगे तो सेफ रहेंगे वरना पकड़े जाएंगे। ये अपने कुलदेवी को बहुत मानते थे और क्राइम करने का दिन पता करने के लिए कुलदेवी के सामने एक बकरी खड़ी कर देते थे। अगर यह बकरी कुलदेवी के पास गई तो उस समय क्राइम करना सेफ होगा। अगर उनसे दूर चली गई तो क्राइम के बारे में सोचते तक नहीं थे और अगले दिन का इंतजार करते थे। जब बकरी सीधे कुलदेवी की ओर जाती तो इनका मानना था कि देवी का आशीर्वाद उनके साथ है और वो क्राइम करने जा सकते हैं। फिर वहीं मंदिर में उस बकरी की बलि देकर गैंग के सारे लड़के क्राइम करने के लिए निकल पड़ते थे। आपको बता दें कि इस गैंग को चलाने में इनके परिवार भी साथ देते थे। यहाँ तक कि इनके घर की औरतें जहाँ पर लूटपाट करना होता था वहाँ की रैकी करने के लिए जाती थीं। जब ये गैंग क्राइम करने के लिए निकलती थी तो इस दौरान घर की सारी औरतें घर के अंदर ही रहती थीं और पूजा पाठ करती थीं। क्राइम के समय गैंग में लोगों की संख्या इवन नंबर्स में होती थी, जैसे 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह। इनका मानना था कि अगर ऑड नंबर में गए तो पकड़े जा सकते हैं। इन्हें जहाँ भी क्राइम करना होता था उस इलाके की रैकी करते थे। इसके लिए वो भेष बदल कर जाते थे, जैसे भिखारी बनकर सामान के बदले बर्तन बेचने वाले, सब्जी वाले। इस काम में औरतें भी साथ देती थीं। इनकी नज़र उन घरों पर होती थी जो या तो कॉलोनी में सबसे पहले होते थे या सबसे अंतिम में। अगर घर के आसपास कोई पेड़ या बिजली का खंभा हो तो निश्चित रूप से वो उसी घर को अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि पेड़ वगैरह पर चढ़ने में ये लोग एक्सपर्ट थे और पेड़ के जरिए वो घर के छत पर या खिड़की से अंदर पहुंच सकते थे। ये अपने घरों से निकलने के बाद सीधे क्राइम करने नहीं जाते थे। पहले ये उस घर के नज़दीकी सिनेमाघर में फिल्म देखने के लिए जाते थे। फिल्म खत्म होने के बाद वो शिकार पर निकलते। कभी अपने साथ ये कोई भी हथियार नहीं लेकर जाते थे, बल्कि उस घर के आसपास से कोई डंडा, सदिया या हथौड़ा उठा लेते थे। वहीं आसपास किसी सुनसान जगह पर जाते और अपने सारे कपड़े उतारकर लंगोट पहन लेते थे। फिर वो अपने पूरे शरीर पर तेल लगाते ताकि अगर कोई उन्हें पकड़े तो हाथ से फिसल जाए। इसके बाद वो चुपचाप घर में घुस जाते थे। उनका एक उसूल था कि पैसों और गहनों के अलावा वो कुछ भी नहीं उठाएंगे, चाहे घर में कितने भी कीमती सामान पड़े हों।
चोरी करने के बाद ये बावरिया गैंग घर में मौजूद सारे लोगों को मार देती थी, चाहे घर के लोग कितने भी पैसे या गहने दे दें, क्योंकि इस गैंग का मानना था जब तक पूरे परिवार को नहीं मारेंगे उनकी चोरी पूरी नहीं होगी और कुलदेवी भी क्रोधित हो जाएंगी। सभी लोगों को मारने का मकसद ये भी था कि कहीं ये लोग शोर शराबा करके उन्हें पकड़वा न दें। इसलिए कई दिनों तक तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलता था कि उनके घर के बगल में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। लूटपाट करने के बाद वो पूरे घर में पेशाब करते थे, ये भी उनकी मान्यताओं में से एक थी। बावरिया गैंग का एक एक मेंबर जब तक सही सलामत नहीं आ जाता था तब तक वो घर वापसी नहीं करते थे। मान लीजिए कि इनका कोई साथी बिछड़ गया तो ये लोग एक खास तरह की आवाज निकालते थे जिससे वो मेंबर आवाज सुनकर उनके पास पहुंच जाता था। इस गैंग में कई ग्रुप्स होते थे और सभी के सभी एक साथ क्राइम करने के लिए निकलते थे और एक साथ घर वापसी करते थे। घर आने के बाद सभी लोग अपने परिवार के साथ उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते थे और फिर वहां भी बिल्कुल इसी तरह से क्राइम करते थे। दिल्ली में ये सारी घटनाएं होती थीं जिनमें घर कॉर्नर में होते थे और घर के लोगों के सर बुरी तरह से कुचले हुए मिलते थे। 2016 में बुलंदशहर में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें एक हाईवे पर गाड़ी रोककर माँ और बेटी का रेप किया गया था और सर कुचलकर मार दिया गया था। इस घटना में भी बावरिया गैंग का नाम सामने आया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस इन्हें पकड़ती क्यों नहीं थी। इसका कारण था कि ये लोग क्राइम करने के बाद कहीं दूर निकल जाते थे और जब तक किसी घर के बारे में पता चलता कि वहाँ मर्डर हो गया तब तक बहुत देर हो जाती थी। पुलिस जद्दोजहद करके उन घुमंतू जातियों के पास पहुँचती थी तो वो लोग अपना मुँह नहीं खोलते थे और पूरी जाति पर भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सभी घुमंतू जातियाँ ऐसा करती थीं। सरकार इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी निकालती है लेकिन इनमें से कितने लोग इसका लाभ उठाते हैं यही लोग जानें।